जरूर बात कर रहा हूँ किस तरीके से नेविगेशन जेस्चर्स को आपका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से हाइड हो चुका है, तो इसको आप इजीली आप नेविगेशन जेस्चर्स आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे यह बैक बटन वगैरह हाइड है। मान लीजिए मैं यूट्यूब खोल लिया, मेरा बैक बटन दिख नहीं रहा है, तो बैक कैसे करूँगा? मान लीजिए इसमें से मैं कोई वीडियो को प्ले कर लेता हूँ, ऐसे बैक करूँगा तो कैसे करूँगा? तो आप क्या करेंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे, इस तरीके से बैक कर सकते हैं। और एक एक करके आप इस तरीके से भी बैक कर सकते हैं। अगर एक ही साथ में अगर कोई भी चीज़ को बैक करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो बड़े कमाल का फीचर्स है, तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसा लगा फीचर्स। तो इसको इनेबल करना बहुत ही आसान है, जैसे कि मैंने आपको बताया। सेटिंग में जाइए, सेटिंग में जाने के बाद डिस्प्ले पे जाइए, डिस्प्ले पे जाने के बाद नेविगेशन बार पे क्लिक कीजिए। अब फर्स्ट टाइम में आएंगे तो आपको ऐसा नहीं दिखेगा, आपको इस तरीके से बटन वाला दिखेगा। तो बटन वाले के यहाँ पे नेविगेशन बार पे क्लिक कीजिए, यहाँ से बटन हाइड हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट फिल्म में। आई होप की जानकारी आपको पसंद आ गया होगा, और कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आप लोगों का रिप्लाई जरूर करूँगा।